नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। रामदास पेट अकोला में केड़कर हॉस्पिटल में हूँ और अकोला ये महाराष्ट्र में आता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बायपोलर डिसऑर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें दो पोल्स आते हैं, एक अपर पोल और एक लोअर पोल। अपर पोल जिसको बोलते हैं हर्षवायु या खुशी की लहर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म्स में मेनिया भी बोलते हैं। तो मैं आज आपको खुशी की लहर या हर्षवायु या मेनिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये ऐसी एक बीमारी है जिसको बहुत लोग मिसडायग्नोज करते हैं या डायग्नोज नहीं कर पाते। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं हमारे ही बिजनेस फ्रेंड है, बिजनेसमैन फ्रेंड है, उनको वो एक ये दौर से गुजर रहे थे जिनको हर्षवायु आया था, उनको मेनिया आया था, खुशी की लहर आ गई थी। लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके जा रहे थे। उनसे मेरी बात भी हुई, उनके वाइफ से, तो उनके वाइफ का बोलना था कि नहीं, ये उनको कोई बीमारी नहीं है। हो क्या रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसों की बंटवारा कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने उनको, इनके वाइफ को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन उनका ये कहना था कि ये कोई बीमारी नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुई कि वो मेनिया के दौर में कोई चैलेंज उन्होंने लिया और वो चैलेंज में फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो इतना इम्पैक्ट, इतना कॉन्सिक्वेंस ये बीमारी का हो सकता है। ये बीमारी है क्या और ये होती क्यों है? ये जो बीमारी है जिसको हम मेनिया बोलते हैं या हर्ष वायु बोलते हैं या खुशी की लहर बोलते हैं, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई गरीब है या अमीर है, इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेनेटिकली हो सकती है, या अगर घर में अनस्टेबल कंडीशन हो तो ये हो सकती है, माँ बाप का अगर प्यार नहीं मिला तो ये हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसके वजह से ये मेनिया की बीमारी या खुशी की लहर होता है। इसके मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन या नॉरपिनेफ्रीन, ये कम होने के कारण ये बीमारी होती है, जिसको हम मेनिया बोलते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है? मेनिया के सिंपल सिंपल लक्षण है जिससे हमको ये ध्यान में आता है कि वो व्यक्ति अब मेनिया के तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो व्यक्ति मेनिया की तरफ बढ़ रहा है उसको पहले डिप्रेशन भी आ सकता है, मतलब जो उदासीनता जिसको बोलते हैं वो भी आ सकता है। तो उसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेशेंट अभी कौन से पोल पे है, अपर पोल में है, खुशी की लहर में, या नीचे के पोल पे, डिप्रेशन में है। तो जैसे मैं बता रहा था, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, मेनिया के सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की नींद कम हो जाती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। वो अलग अलग चीज़ें हाथ में लेने लगता है, नए नए रिस्क लेने लगता है, नए नए काम जोड़ने लगता है, पैसा ज़्यादा खर्च करता है वो व्यक्ति, बहुत सारे जो अपने लिमिट के ऊपर पैसा खर्च करने लगता है। हाइपर सेक्सुअलिटी हो सकती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा रिलेशनशिप बनाऊँ अपने वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ। चिड़चिड़पना हो सकता है, अगर वो व्यक्ति को हमने रोका तो वो चिड़चिड़ा बन सकता है, तोड़फोड़ करना, मारामारी करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी और जो मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टेटस में डिफरेंस है, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर स्टेटस का हूँ। पॉलिटिकल बातें करने लगता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली सिम्टम्स दिखते हैं मीनिया में, वो ये है कि मोदी के बारे में बात करना या बाळासाहेब ठाकरे के बारे में बात करना या पिक्चर के गाने गाना। जो सिंपल टेस्ट है मेनिया में, जो हम हमारे हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, वो है, वो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुछ गाना गा के दिखाओ। तो नॉर्मल जो व्यक्ति है वो शांत बैठेगा, लेकिन जो मेनिया के पेशेंट्स हैं वो तुरंत गाना गाने लगते हैं या डांस करने लगते हैं। तो ये सिंपल टेस्ट है जिससे हमको ध्यान में आता है कि ये पेशेंट को मेनिया हो चुका है। तो ऐसे जो बीमारी है मेनिया की, जैसे मैंने बताया, डिक्रीज स्लीप मतलब नींद ना आना, ज़्यादा गुस्सा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, खाना ज़्यादा करना, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज करने लगता है, मतलब कोई बड़ा गोल देखना और उसके प्रति एक्टिविटी करना, इधर उधर घूमना, बाइक निकाल के इधर उधर घूमना, अलग अलग शहरों में जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, दोस्तों से बड़ी बड़ी बातें करना, एक्सेसिव स्मोकिंग और अल्कोहल पीना, ऐसे अलग 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 सिम्टम्स हमको मेनिया में जो खुशी की लहर होती है उसमें दिखते हैं। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक
कि अगर जो अनुभवी स्पाउस है मतलब मियां या बीवी, उसको अगर ध्यान में आ गया कि ये पेशेंट मेनिया में जाने वाला है, तो उसको रोकना, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ मेनिया बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अगर पेशेंट को मेनिया हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए दो बातें सिग्निफिकेंट है, प्रिवेंशन या अगर मेनिया हो गया तो ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ऑफ मेनिया मतलब क्या, यदि वो रिलेटिव को ध्यान में आ गया कि ये पेशेंट अभी मेनिया में जाने वाला है, तो उसको वहीं रोकना, साइकेट्रिस्ट के पास लेके आना और उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि पेशेंट को मेनिया हो गया है तो ट्रीटमेंट देना पेशेंट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेनिया के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, इसमें पेशेंट आत्महत्या कर सकता है, मर्डर कर सकता है या खुद का खून भी हो सकता है। पेशेंट के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं फैमिली के साथ, पेशेंट के फाइनेंशियल इश्यूज में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, पेशेंट का वर्क जो है मतलब वर्क कल्चर वो खराब हो सकता है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अब पेशेंट की जो मेनिया के स्टेज में गया है उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। उसके ट्रीटमेंट क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जैसे वाल्प्रोएट और लिथियम, ये ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम मेनिया में देते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकल में नहीं मिलती है, ये सुपरवाइज दवाइयाँ ही मिलती है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। तो ये दवाई स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पेशेंट सुन नहीं रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना, पेशेंट को स्टेबलाइज करना। दवाइयाँ देके, इंजेक्शन देके हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, केमिकली मैकेनिकली हम पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं। एक बार पेशेंट शांत हो गया, रिलैक्स हो गया और पेशेंट को इनसाइट आ गई कि भाई मैं ज्यादा गड़बड़ कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, तो पेशेंट शांत बैठ जाता है। तो मैंने पहले बताया मेडिसिंस, सेकंड मैंने बोला कि हॉस्पिटलाइजेशन, थर्ड है ईसीटी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ईसीटी देकर हम पेशेंट को शांत बिठा सकते हैं। हम ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगला जो ट्रीटमेंट है, एक बार पेशेंट शांत हो गया तो हम देते हैं पेशेंट को काउंसलिंग। काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग के बारे में भी आपको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ऐसा ये पूरा मेनिया का जो सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट है, इसको करना आवश्यक है। अगर आपके आसपास कोई भी पेशेंट्स हो ऐसे, तो इनको जरूर बताएं, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले, जिससे ये पेशेंट की और पेशेंट के रिलेटिव्स की जान बच सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं जरूर अगले वीडियोस लेके आऊंगा जल्द ही। धन्यवाद।